आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि एक हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसमें आप दुनिया के सबसे बड़े समुद्र यानी कि प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन जो कि 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है उसमें आप एक नाव के साथ में गुम हो जाते हैं। और इतने विशाल महासागर में आपका अपना कोई नहीं है और ना तो आपके पास में खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी, और समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खारा है। और वापस जाने के लिए आपके पास में कोई साधन नहीं है, आपको नहीं पता है कि आप समुद्र में किस जगह पर हो और आपको कहाँ जाना है। कई सारे बड़े बड़े जहाज आपके नज़दीक से गुजरे लेकिन उनमें से किसी की भी नज़र आप पर नहीं पड़ी। आप सिर्फ एक उम्मीद पट्टी क्योंकि कोई आएगा जो कि मुझे यहाँ से निकाल करके ले जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। आप अपनी आँखें खोल सकते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक रियल लाइफ स्टोरी है, और इस कहानी को सुनने के बाद में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये कहानी है जो सेल्वाडोर एल्वारेंगा की, जो कि एक बहुत ही अच्छा मछुआरा था। बात है 17 नवंबर 2012 की। ये वो तारीख है जब एल्वारेंगा मेक्सिको के एक छोटे से गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतर गए। और मैं आपको बता दूं कि जिस समुद्र में वो उतरा था वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन था, पैसिफिक ओशियन यानी हिंदी में प्रशांत महासागर। और ये महासागर इतना बड़ा है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी ज़मीन, रेगिस्तान, बर्फ, नदी, तालाब, झरने जितना भी है इन सबको अगर मिला भी दिया जाए तो भी वो इस महासागर की बराबरी नहीं कर सकते। उस वक्त एल्वारेंगा के साथ में उसका एक दोस्त भी था और एल्वारेंगा का प्लान था कि वो 30 घंटे तक मछली पकड़ने के लिए निकलेंगे, और उसके हिसाब से उन्होंने अपने लिए खाना और पानी लिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर तक तो सब कुछ प्लान के अनुसार ही चला, लेकिन तभी एक खतरनाक तूफान ने दस्तक दी। शुरुआत में हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, लेकिन एल्वारेंगा ने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ता चला गया। लेकिन एल्वारेंगा को क्या पता था कि ये रिस्क उसे कितना भारी पड़ेगा। जब हवाओं की रफ्तार बढ़ी तो एल्वारेंगा समझ चुका था कि एक बहुत ही खतरनाक तूफान यहाँ आने वाला है। एल्वारेंगा ने नाव घुमाई और फिर से उसी दिशा में चल दिया जहाँ से वो आया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो दोनों तूफान का शिकार हो गए। एल्वारेंगा ने पूरी स्पीड में नाव को भगाया और जैसे तैसे तूफान से लड़ करके अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले थे, और तभी उनकी नाव का फ्यूल खत्म हो गया। और एक और बुरी बात कि उनके पास में नाव को चलाने के लिए कोई चक्कू नहीं थे, और समुद्री लहरों ने उनकी दिशा मोड़ दी और उन्हें विपरीत दिशा में फिर से धकेल दिया। उनके पास कोई चारा नहीं था, बस एक आखिरी उम्मीद उनके पास थी जो कि था उनका रेडियो, जिसे वो कॉन्टेक्ट कर सकते थे टीम से। लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स आए उसका वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है और इसी के साथ उनकी आखिरी उम्मीद भी। उन्हें अब नहीं पता कि उनकी मंजिल अब किस दिशा में है, और अब वो अपनी मंजिल से 400 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। समुद्र इतना बड़ा, उनकी नाव इतनी छोटी कि रेस्क्यू टीम भी उन्हें ठीक से नहीं ढूंढ पाई। बुरे में और बुरा उनके साथ में ये हुआ कि वो जितना भी खाना पानी अपने साथ में लाए थे और जितनी भी मछलियाँ उन्होंने पकड़ी थी वो सब कुछ उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था, जिससे कि नाव जो है वो स्पीड में चल सके। भूख से उनका हाल बेहाल हो चुका था और हालात उन्हें उनसे वो करवाया जो कि वो सपने में भी नहीं करना चाहते थे। अपनी भूख को मिटाने के लिए उन्होंने अपने हाथों से समुद्र जानवरों को पकड़ा और उन जानवरों को उन्हें कच्चा ही खाना पड़ा, और अपनी प्यास बुझाने के लिए बारिश का पानी पीते थे। लेकिन जब बारिश का नामो निशान दूर दूर तक नहीं होता था तब आप मानेंगे नहीं, उन्होंने जानवरों का खून और अपना पेशाब पिया। मेंटली उन पर कितना टॉर्चर हो रहा था हम सबके लिए ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। और जैसे तैसे उन्होंने 4 महीने गुजारे, लेकिन एल्वारेंगा का जो साथी था वो इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मौत हो गई। अब एल्वारेंगा अकेला पड़ गया, उसके साथ में बात करने के लिए कोई नहीं था, वो अकेला ही संघर्ष कर रहा था। एक एक दिन काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, करने के लिए कोई काम नहीं था, एक जगह बैठे बैठे बॉडी खराब हो रही थी। रात में वो तारों को देखता रहता और सोचता काश यहाँ पर कोई आए और मुझे यहाँ से निकाल करके ले जाए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। 6 महीने गुजर गए थे और अब एल्वारेंगा पैसिफिक ओशन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है उसके बीचों बीच जाकर पहुँच गया। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ पर है और उसके साथ में कब क्या होगा, और वो भी अपनी जीने की उम्मीद लगभग खो चुका था। लेकिन एक दिन उसे एक बड़ी शिप दिखाई थी, लेकिन छोटी नाव और फायर गन ना होने की वजह से वो शिप वाले उस नाव को नहीं देख पाए। एल्वारेंगा ने खूब आवाज़ें दी, खूब हाथ दिखाया, लेकिन किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी, और 6 महीनों बाद मिली एक उम्मीद भी फिर से मर गई। एल्वारेंगा के सर से ऊपर से भी कई सारे हवाई जहाज गुजरे, लेकिन उन्हें सिग्नल देने के लिए एल्वारेंगा के पास में कुछ नहीं था। अब एल्वारेंगा अपने गांव से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने पूरी तरह से खुद को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। टाइम के साथ में उसके पास से कई सारे जहाज गुजरे, समय के साथ में उसने कई सारे जहाजों की चहलकदमी महसूस की, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। एल्वारेंगा मरा तो नहीं था, लेकिन उसकी हालत जो थी वो किसी मरे हुए इंसान से कम नहीं थी। वो तो एल्वारेंगा की जीने की चाहत ही थी जिसकी वजह से एल्वारेंगा 400 दिनों तक इतना टॉर्चर सहने के बावजूद भी जिंदा रहा। और एल्वारेंगा ने ऐसे में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जो कि इस पूरी दुनिया में चाह कर भी कोई भी बनाने की सोचेगा तक नहीं, बिना किसी सोर्स के अकेले समुद्र में 400 दिन तक रहना। और फाइनली 438 दिन बाद यानी 30 जनवरी 2014 को उसने पहली बार एक आइलैंड देखा,
और जैसे ही उसकी नज़र उस आइलैंड पर पहुंची, मानो मुर्दे में एक जान आ गई हो। वो आइलैंड उससे 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी और नाव को उस आइलैंड तक ले गया, और वो तो शुक्र हो कि उसे ये आइलैंड दिख गया, वरना इसके बाद जो आइलैंड आने वाला था वो लगभग 5000 किलोमीटर दूर था। वो जैसे ही आइलैंड पर पहुंचा, 438 दिन बाद उसने पहली बार जमीन पर कदम रखा। लेकिन इतने दिनों तक एक जगह बैठे रहने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों की रोशनी भी बहुत ही कम हो गई। उसने आइलैंड पर कदम रखे और रेंगकर थोड़ा आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे उस समुद्र से मानो नफरत सी हो गई थी और वो वहां पर बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसने अपने पास में आइलैंड के लोकल गार्ड को पाया। गार्ड ने तुरंत ही टीम से कॉन्टेक्ट किया और उन्हें एलवेरिंगा के बारे में बताया। एलवेरिंगा को अपने देश वापस भेज दिया गया। एलवेरिंगा जब वापस अपने परिवार के पास में पहुंचा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सब ये मान चुके थे कि एलवेरिंगा अब इस दुनिया में नहीं रहा। और सबसे ज्यादा खुशी एलवेरिंगा के माता पिता और 14 साल की उसकी एक बच्ची जिसका नाम फातिमा था उसको हुई। तो ये थी एक ऐसे इंसान की कहानी जो कि 400 से भी ज्यादा दिनों तक एक समुद्र में अपनी हिम्मत के दम पर रहा। क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से कि एक इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता? कुछ भी ना होने के बावजूद भी उसने 400 दिन गुजार लिए, और वो भी ऐसे में जब उसके पास में कुछ नहीं था, ना खाना ना पानी ना ही ठंड गर्मी से बचने के लिए कोई साधन नहीं था। क्योंकि जब इंसान के अंदर चाहत होती ना कुछ करने की, तब हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो इंसान को नहीं हरा सकते। हालात हमसे कैसे भी काम करवा ले, हम कर जाएंगे। और इतना बुरा तो आपके साथ में नहीं होगा ना जितना बुरा एलवेरिंगा के साथ में हुआ। उसके साथ में हर बुरी चीज हुई सिवाय एक बुरी चीज के कि वो मरा नहीं। उसके अलावा उसके साथ में हर बुरी चीज हुई। इतना टॉर्चर सहा उसने 438 दिनों तक। तो हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, एक बार इस कहानी को याद कर लेना और तब पता चल जाएगा कि तुम्हारे हालात कितने गुना अच्छे हैं। तुम सिर्फ अपनी ही वजह से रुके हुए हो। ये रियल लाइफ स्टोरी अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।